तो भाई आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा डबल हेडर आज होने वाला है, क्योंकि आज आईपीएल के 48वें मैच में दोपहर में चेन्नई के सामने केकेआर चुनौती बनेंगे, तो वही रात वाला जो मैच होगा ना 39वां मैच, उसमें आरसीबी के सामने मुंबई इंडियंस चुनौती बनेंगे। और ये जो चार टीमें हैं ना, ये इस समय सबसे बड़ी प्रबल दावेदार है प्लेऑफ की दौड़ की, और इसीलिए आज का दिन बहुत बड़ा होगा, और इसीलिए आपका भाई हाजिर है। प्रीव्यू बताएंगे, प्लेइंग 11 बताएंगे, प्रेडिक्शन बताएंगे, पिच वेदर बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, उन पांच खिलाड़ियों के नाम दोनों ही मैचों से बताएंगे जो इस मैच में आपको 5 करोड़ जिताएंगे, कौन सी टीम दोनों मैचों को जीतेगी ये भी बताएंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर मत देखना, पूरा वीडियो देखना भाई, ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी ना कोई नहीं दे रहा है। दोस्तों हमने बहुत मेहनत की, इन चारों में से किसी भी टीम के अगर आप फैन है ना, तो आपको कसम है भाई इन चारों टीमों की लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोपहर वाले मैच की, 38वां मैच, फिर वही बात है भाई कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आ गई है तगड़े फॉर्म में, लेकिन उनके सामने उनसे भी अच्छे फॉर्म की केकेआर रहेगी। सबसे पहले हम चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 देखते हैं। पिछले मैच में उन्होंने बहुत बड़ी, अपने से बहुत बड़ी टीम रही, पिछले साल 2020 में आरसीबी को हरा दिया था, बुरी तरीके से हराया था, बुरा लगा था एज अ आरसीबी का पुराना फैन, अभी नहीं पुराना फैन, मुझे बुरा लगा था। लेकिन चलिए देख लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ साथ फागु प्लेसेस, देयर इज नो चेंज। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर मोइन अली, नंबर 4 पर अंबाजी रायडू, नंबर 5 पर सुरेश रैना, लो ऑर्डर में नंबर 6 पर एमएस धोनी, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा। बॉलर्स टेलेंडर्स की अगर हम बात कर लें तो यहां भी कोई बदलाव की उम्मीद नहीं, हालांकि सैम कॉर्न खड़े हुए हैं, पर ब्रावो ने ऐसा प्रदर्शन दे दिया है ना भाई, और जितने दिल के करीब है धोनी के करीब है ब्रावो, कोई बदलाव नहीं होगा। 8वें स्थान पर ब्रावो, 9वें स्थान पर आ जाएंगे भाई आपके ठाकुर, 10वें स्थान पर दीपक चहर और 11वें स्थान पर आ जाएंगे जॉस हेजलवुड। एंड दिस इज द प्लेइंग 11 जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड, वन ऑफ द मोस्ट टॉप, वन ऑफ द मोस्ट इनफॉर्म प्लेइंग 11 इनके पास, लेकिन केकेआर की कैसी रहेगी, क्या कोई बदलाव होगा वो देख लेते हैं। पर उससे पहले बता दूं भाई, रोज जीत रहा है भाई 5 गुना कैश, रोज का हो गया अब तो, आदत बना ली, और इसीलिए मैं आपसे भी लगातार बोलता हूं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मैंने डाल दी, फटाफट जाइए माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप डाउनलोड करेंगे 1500 रुपए 20% का स्पेशल डिस्काउंट फ्री में आपको मिल जाएगा, 5 करोड़ के कॉन्टेस्ट इस प्रीमियर लीग से आप जीत सकते हैं, उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है हर रोज 5 गुना कैश जीतने की, वो और कोई दे ही नहीं रहा है भाई, दुनिया ऐसी कोई ऐप ही नहीं है जो ऐसे कुछ देती हो। और हम तो हर रोज टीम भी बनाते हैं, जो टीम हम आपको रोज देते हैं वो जीत भी रही है, तो आपको तो पता ही है, बहुत सारे सबूत की मेरे को जरूरत नहीं है, तो बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए, देर बिल्कुल मत कीजिएगा, एक्सपर्ट के साथ खेलिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स नीचे खोलिए माय 11 सर्कल ऐप का भी डाउनलोड कीजिए। और हां, मैं कैसे जीतता हूं वो इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। चलिए दोस्तों माय 11 पर तो आप अकाउंट बना ही लेंगे, अगर अभी तक नहीं बनाया ना, कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आपको होनी चाहिए, आईपीएल में ज्यादा दिन बचे नहीं, अकाउंट जरूर बना लीजिए। पर केकेआर की प्लेइंग 11 देख लेते हैं, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पर, नंबर 4 पर विन मॉर्गन, नंबर 5 पर नीतीश राणा, लोअर ऑर्डर नंबर 6 पर एंडरसन, नंबर 7 पर दिनेश कार्तिक। क्या कार्तिक को इतनी डेप्थ की जरूरत है केकेआर को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता देना। क्या कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है उनके स्थान पर ऐसे बॉलर, नंबर 7 पर जरूर बताना। लोअर ऑर्डर की बात करें, 8वें स्थान पर सुनील नरी, 9वें स्थान पर प्रशित किशवा, 10वें स्थान पर लॉकी फर्ग्यूसन, 11वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती, सब कुछ सेट है भाई दोनों टीमों के साथ, देयर इज नो चेंज इन बोथ टीम्स प्लेइंग 11, और मेरे को नहीं लग रहा कि कोई बहुत अच्छा फैसला होगा। पर अब बात कर लेते हैं 39वें मैच की, पिच वेदर बताऊंगा इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन प्लेइंग 11 पहले दोनों ही मैचों की हम बात कर लेते हैं। अगर हम 39वें मैच की प्लेइंग 11 की बात करें, तो ये मैच रात में होगा, आरसीबी की टीम दुबई में मुंबई के सामने होगी, और ये बहुत बड़ा मैच होगा, स्पेशली दोनों टीमों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा मैच है, पूरा टेबल है ना उसका सार है, उसका निचोड़ है ये मैच। आरसीबी की प्लेइंग 11 देख लेते हैं, एक बदलाव है। सबसे पहले ओपनर्स की बात करें, विराट कोहली के साथ देवदत्त पट्टिकल ओपनिंग करेंगे मिडिल ऑर्डर में, नंबर 3 पर एबीडी, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर केएस भरत, लोअर ऑर्डर में नंबर 6 पर टिम डेविड को शायद एक और मौका विराट कोहली दे दे, लेकिन नंबर 7 पर काइल जेमिसन की एंट्री हो सकती है, हसरंगा बाहर बैठ सकते हैं इस मैच में, क्योंकि स्पिनर्स को मदद मिली नहीं रही है, दुबई में भी नहीं मिली है, तो विराट कहेंगे भाई आप बढ़िया बैठिए वहीं पर, थोड़ी सी सीट को सेकिए, थोड़ी सी सीट आपकी गर्मी से भी गर्म होनी चाहिए। 8वें स्थान पर टेलेंडर्स में बात करें तो भाई मोहम्मद सिराज उतरेंगे, 9वें स्थान पर आगे नवदीप सैनी, 10वें स्थान पर हर्षल पटेल, 11वें स्थान पर युजवेंद्र चहल। अब ऐसी टीम है कि हर बार आप बोलते हो कि इससे बेहतर नहीं है, लेकिन हर बार हार रहे हैं, और ये थोड़ा सा बैड लक भी है यार इनके साथ, क्योंकि
विराट कोहली की कप्तानी जाना, उसके बाद चलने के बावजूद नहीं चलना, ये बैड लक ही होता है। पर आगे बढ़ते हैं भाई, अभी बहुत कुछ है मुंबई इंडियंस की टीम की, मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। उससे पहले बता दूं, फिर बता दूं, माय 11 पर अकाउंट जरूर बना लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेइंग 11 बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए दोनों मैचों के लिए। टीम कैसे, हाँ भाई एक चीज तो बतानी भूल गया, टीम जो मेरी टीम होती है ना मैं टेलीग्राम पर देता हूँ जिससे मैं खेलता हूँ माय 11 पर। तो आप भी जाइए गूगल पर, गूगल पर जाइए द रियल एमसीपी सर्च कीजिए, पहली लिंक खोलिए, रियल चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल है इसलिए टेलीग्राम पर सर्च मत करना। और भाई फॉलो कर लीजिए आपके भाई के चैनल को, रोज टीम देता हूँ, रोज आप भी जीतेंगे। चलिए मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो ओपनर के रूप में रोहित शर्मा के साथ डी कॉक, मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पर सुकुमार यादव, नंबर 4 पर ईशान किशन, नंबर 5 पर कायरन पोलार्ड, लोअर ऑर्डर में नंबर 6 पर कृणाल पंड्या, नंबर 7 पर हार्दिक भाई की एंट्री हो सकती है। जो उम्मीद, जैसे भाई देखो उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं क्या ही बोलूं, इनकी एंट्री होना चाहिए। क्या ये बॉलिंग नहीं कर पा रहे, क्या ये बैटिंग नहीं कर पा रहे, कोई नहीं पता, पर रिपोर्ट ये है कि आ सकते हैं। और सौरभ तिवारी किस स्थान पर आ सकते हैं, लेकिन बॉलर श्रीलेंडर्स की बात करें, 8वें स्थान पर राहुल चहर, 9वें स्थान पर ट्रेंट बोल्ट, 10वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह, 11वें स्थान पर मिलने या फिर उनके स्थान पर आपके पास 9 भी ऑप्शन है, आपके पास जेमिसन भी ऑप्शन है। तो मुझे लग रहा है कि एक और बदलाव रोहित शर्मा कर सकते हैं कि मिलने के स्थान पर एक और कोई विदेशी तेज गेंदबाज लेकर आए। कैसा लगेगा ये बदलाव कमेंट में जरूर लेकर बताना। मैं तो चाहता हूं कि मिलने थोड़ा एक दो मैच बाहर बैठे और दूसरों को मौका मिले। तो भाई ये आरसीबी और मुंबई इंडियंस वाले मैच की प्लेइंग 11 थी। दोनों की प्लेइंग 11 देखने के बाद अब दोनों ही मैचों की पिच रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि पिच से आपको मदद मिलेगी मैच को देखने में, प्रिडिक्शन करने में और माय 11 पर अपनी टीम बनाने में जिससे आप 5 करोड़ रुपए भी जीत सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आईपीएल का 38वां मैच अबू धाबी में होगा, चेन्नई केकेआर के बीच मैच होगा। उस मैच की अगर हम पिच की बात करें तो भाई पेसर्स फ्रेंडली विकेट रहने वाला है। अबू धाबी में पेसर्स को मदद मिली है, 2 मैचेस हुए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत कुछ बदलेगा, पेसर्स को ही मदद मिलेगी। बैटिंग का एवरेज स्कोर जिस तरह से 160 का रहता है वैसे ही रहने वाला है। अगर हम भाई अबू धाबी के वेदर की बात करें, 37 डिग्री सेल्सियस हाई, 32 डिग्री सेल्सियस लो, मेरे को तो घर में बैठकर पसीना आ रहा है क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान में भी बैंड बजी हुई है, जहां पानी नहीं गिर रहा वहां बैंड बज जाती है भाई, हिंदुस्तान का तो यही हाल है, बहुत गर्मी लग रही है। पर क्या करें भाई, दुबई के और बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है बता रहा हूं, क्योंकि ह्यूमिडिटी सिर्फ 63% है अबू धाबी में और इसीलिए बहुत गर्मी इस मैच में भी अबू धाबी में देखने को मिलेगी। अब 39वें मैच की अगर हम पिच वेदर की बात करें, आरसीबी मुंबई आमने सामने होगी, ये मैच दुबई में होगा। दुबई में थोड़ा सा बेटर वेदर कहते हैं ना कि पहले अच्छा रहता था, जब से ये कंक्रीट का पूरा कह लेना कि स्ट्रक्चर बना है तब से गर्मी बढ़ी है। वेदर 38 डिग्री हाई, 29 डिग्री लो, गर्मी बनी रहेगी, 57% ह्यूमिडिटी, मतलब काफी ज्यादा पसीना आने वाला है, खिलाड़ी नहाने वाले हैं और 2-3 शर्ट्स तो हर खिलाड़ी के जाने वाले हैं, पसीने में भीगने वाले हैं और मैच के बाद सबको 3-3 बार शॉवर की भी जरूरत पड़ेगी। ये दुबई का वेदर था, ये अबू धाबी का वेदर था। दुबई की पिच दिखा दूं तो भाई पेसर्स हैं हर जगह, पेसर्स है धीरे धीरे, अभी है ना 45 मैचेस खत्म होंगे ना जब आईपीएल के पूरे हो जाएंगे उसके बाद पिच पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो ये तो थी दोस्तों दोनों ही मैचों की, दोपहर वाले और रात वाले मैचों की पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं भाई प्रिडिक्शन की, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दोस्तों पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11 के हिसाब से अपनी टीम माय 11 पर जरूर बना लेना, फिर बता दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लेकिन भाई अब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं, पर उससे पहले दोनों ही मैचों के टॉप 5 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर देख लेते हैं। दोस्तों माय 11 सर्कल पर ये 5 प्लेयर्स आपको 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, ये 2 कॉन्टेस्ट में बहुत अहमियत रखते हैं। 38वें मैच के टॉप 5 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात करें तो चेन्नई केकेआर का मैच है, उसके इसमें दोस्तों वेंकटेश अय्यर है, राहुल त्रिपाठी दूसरे प्लेयर है, रुतराज गायकवाड़ है, ड्वेन ब्रावो है, दीपक चहर है। जब भी आप बड़ी लीग खेलें जिसमें बहुत सारे लोग कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनते हैं ना, उसमें आप जो है इनमें से 5 में से किसी एक को कप्तान बना सकते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी रही। क्योंकि देखो यार कुछ जगह पर किस्मत बहुत ज्यादा चलती है, माय 11 पर भी ऐसा ही है और यहां पर थोड़ी जल्दी चलती है, अच्छी चलती है। लेकिन टॉप 5 प्लेयर्स में भाई ये 5 प्लेयर्स है जो कि चल सकते हैं। अगर 39वें मैच की बात करें, आरसीबी के सामने मुंबई इंडियंस की बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। इसमें टॉप 5 प्लेयर देवदत्त पट्टिकल, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और टिम डेविड रहने वाले। टिम डेविड का नाम मैंने फिर रखा, पिछले मैच में भी रखा था, चल नहीं पाए थे। दोस्तों अगर ये बंदा चलेगा ना, मैं बता रहा हूं बहुत तगड़ा चलेगा, क्योंकि ये चले हैं पहले, ये थोड़ा सा बड़े टूर्नामेंट का इन पर प्रेशर आ गया था।
तो ये तो थे दोस्तों दोनों ही मैचों के टॉप 5 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, जो माय 11 पर आपको बना देंगे 5 करोड़ का मालिक। लेकिन प्रेडिक्शन तो भाई अब होगी, दोनों ही मैचों के में कौन जीत सकता अब जानते हैं। सबसे पहले 38वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स केकेआर के बीच होगा। मैच में अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कंप्यूटर साहब से बोलूंगा कि अपनी स्क्रीन पर ले आए, तो कंप्यूटर जी प्लीज लाइए दोनों टीमों की प्लेइंग 11। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को अगर हम देखें तो भाई अगर हम ओपनर्स की बात करें तो यहां पर लगभग बराबरी है। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो थोड़ा सा बेहतर मिडिल ऑर्डर हम चेन्नई का बोल सकते हैं। लोअर ऑर्डर की बात करें तो यहां भी चेन्नई थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। बॉलर स्टैंडर्ड्स में भी भाई लगभग बराबरी दिख रही है। तो कुल मिलाकर मैच में चेन्नई का पलड़ा भारी रह सकता है। चेन्नई नंबर 1 पर चल रही है टेबल पर, टॉप 2 में लगी हुई है, बनी हुई है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि चेन्नई के पक्ष में ये वाला मैच भी जाता हुआ अकॉर्डिंग टू मी दिख रहा है। लेकिन फिर एक बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है भाई, बहुत ज्यादा मैचेस जब टीमें लगातार जीतने लगी हैं, एक ना एक मैच हार जाती है और हो सकता है चेन्नई के लिए ये मैच हो, हु नेवर नो। आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात करते हैं 39वें मैच की। ये मैच बहुत बड़ा मैच होगा। इसमें जो जीतेगा ना वो प्लेऑफ में 2-4 कदम आगे निकल जाएगा। आरसीबी एमआई का मैच है, आरसीबी की जीतने के चांसेस है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई हमने कंप्यूटर जी से फिर बोलेंगे दोनों टीमों को कंपेयर करते हैं। दोनों टीमों को जब आप कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आरसीबी एक एज ले रही है जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली, जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी गेंदबाजी। हालांकि गेंदबाजी ने तो ये इधर भी बुमराह है, पर ओवरऑल टीम को अगर हम देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है आरसीबी जीत सकती है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, और मुंबई से बड़ा प्रेम है, बड़ा प्यार है, पर क्या करें, दिख रहा है आरसीबी का। ये तो थी दोनों मैच की प्रिडिक्शन दोस्तों प्रिडिक्शन मीटर पर। आप भी बताइए आपके हिसाब से दोनों मैच में कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं। माय 11 सर्कल ऐप पर अकाउंट जरूर बना लेना, फिर बोल रहा हूं बहुत मजा आने वाला है। और आज तो मतलब आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा दिन है डबल हेडर्स में, तो अकाउंट जरूर बनाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।